जनता की आवाज होगी अब बुलंद, क्योंकि मिथिला मंच लेके आ गए हैं पब्लिक वॉइस। पब्लिक वॉइस, पब्लिक वॉइस। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मेयर प्रत्याशी के बाद अब आपकी निगाहें होनी चाहिए आपके वार्ड के कर्मठ प्रत्याशी की, क्योंकि आपको 5 साल रोना पड़ता है, आपको मीडिया के पास आके गिड़गिड़ाना पड़ता है कि देखिए हमारा वार्ड पूरी तरह पिछड़ गया है, जल जमाव से घर से निकल नहीं पाते हैं, मच्छर काटता है, जब भी पार्षद को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। ऐसे तमाम वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों पर आप अपनी निगाहें रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा मेयर के साथ एक अच्छा वार्ड पार्षद चुने। आपका सवाल नहीं है, आप किसे भी वोट दे दीजिए, लेकिन आने वाले 5 साल जो आपके बच्चे हैं, आपकी पीढ़ी हैं, उनके जीवन पर, उनके कैरियर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि हर वार्ड में ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपको 12 बजे रात में भी टेलीफोन कॉल उठाए, जो आपको 12 बजे रात में भी अगर थाना की जरूरत पड़े, वार्ड के प्रखंड की जरूरत पड़े, नगर निगम की जरूरत पड़े, तो वो आपके लिए खड़ा हो। यही नहीं, वार्ड में अगर पशु मर जाता है कोई उठाने वाला नहीं है, कभी आपकी विपत्ति आती है मोबाइल ऑफ कर लेते हैं, कभी भी ऐसे प्रत्याशियों का चयन नहीं करें। आज हम वार्ड 11 में ऐसा ही कुछ हाल है वार्ड 11 की। और वार्ड 11 में हम बता दें, ये तमाम वो पीड़ित हैं जिन्होंने 5 साल याद रखिए 5 साल इनके आंखों से आंसू निकले, लेकिन पूछने वाले कोई नहीं आए। क्या क्या समस्या थी आपको? हम लोग को नाला नहीं है, सब मतलब पूरा चारों साइड हो जाता है एकदम पानी का पानी, हम लोग निकलने के लिए निकासी पानी का नहीं है, नाला हम लोग को चाहिए। और क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है हम लोग को, आगे वाला फील्ड में बाल बच्चे खेलता है वो भी बहुत मतलब भर गया है पानी से, तो बच्चे लोग कहाँ खेलेगा, जाने आने में हम लोग को दिक्कत होता है। मोहल्ला ये 11 वार्ड पैसो लो ले छे, कोई छे पैसा बेच दो दे छे, तुम क्या क्या लगता है क्या दिक्कत है? पानी उनी का है, पानी गड्ढा हुआ है। हाँ, वही तो पैर के अथी है, हमरा सबके दिकदारी है पानी में, पानी में भीज रहल छी। अच्छा, नल जल आके आयल घर में, पानी आबे या कुछ नहीं? हां कुछ नहीं, क्या नहीं आबे छे? जबकि सब वार्ड पार्षद से करवा के चाहिए, पार्षद से चाहिए। क्या हमरा एकटा वृद्धा पेंशन में भेटे या विधवा पेंशन? हमरा कहलिए पार्षद के राशन कार्ड नहीं है, कहने रहिए, कहै छी क्यों नहीं सुनै छै? के छथि पार्षद? तो नहीं ले छै ना, कहां दे ले त बने? क्या बोलिए, क्या क्या आइए हम बता दें। यहाँ पर ये जो रामबाग की समस्या है वो काफी जटिल है, कहा जाता है ये दरभंगा महाराज का है, यहाँ पूरी तरह मंदिर और तालाब है, जिसके सौंदर्यीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर्यटक स्थल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है इस वार्ड 11 का शिक्षित और विकसित होते भी अभी दूर है। क्या दिक्कत है आप लोगों को इस रामबाग वार्ड नंबर 11 में? ढेर सारी समस्याएं हैं, कुछ कुछ सड़क सब तो बना है, लेकिन सिर्फ सड़क बन जाने से नहीं होगा, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, मच्छर का बहुत काटता मच्छर, अभी रामबाग में भी चैन छिनाई सब होने लगा, असुरक्षित है पूरा, अब असुरक्षित है, नशेड़ियों का अब जमावड़ा हो गया, सेफ जोन हो गया है, अब रामबाग में शाम ढलते ही नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है, बेटियों सबका, बहुओं सबका, लेडीजों सबका स्कूल जाना, मार्केट जाना, रामबाग में मंदिर भी जाना अब दुश्वार सा साबित हो गया है। अब यहाँ तक कि रामबाग में इस कदर अपराधी सब बढ़ गए हैं जो अब चलना भी मुश्किल सा हो रहा है। 5 साल कैसा बीता आप लोग का? नहीं अच्छा नहीं बीता, 5 साल अच्छा नहीं बीता, पशु सब भी मरते हैं, कहते हैं तो बार बार फोन करना पड़ता है, काम करते हैं लेकिन एक बार में सुनवाई नहीं होता। बाद आता है गाड़ी, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, यहाँ नगर निगम का कोई व्यवस्था सर नहीं है, फील्ड में बच्चे लोग खेलते थे वो नर्क बना दिए, रोड से जो आदमी हसन चौक या टावर जाएगा वो जाने के लिए कोई नहीं जा रहा, इतना दिक्कत है। हम लोग का जानवर भी मर जाता है, शुगर मरे, बिल्ली मरे, सर जाएगा कहते कहते मर, तब गाड़ी कहीं भेजता है? पार्षद से बातें होती है? पार्षद से तो हाँ भेज रहे हैं, बस यही बात होता है। तो पार्षद आपकी समस्या के लिए सुनते हैं कभी? कभी नहीं, 10 बार कहने के बाद वो आते। अच्छा, आपके घर में जल नल पानी पहुँचा? नहीं, कहीं नहीं। क्यों, और सब जगह तो पहुँचा आपके? नहीं, हम लोग के रामबाग में कहीं नहीं पहुँचा है, 11 वार्ड में कहीं नहीं पहुँचा। हम लोग पानी के देखे हैं, एक बड़ा गया जो बाहर पानी भरेगा मच्छर काटेगा,
हम लोग फोड़ के बहा है, वो टंकी काम नहीं कर रहा है। अच्छा हम बता दें, यहाँ कई लोग हैं, यहाँ जो मंदिर कहा जाता है कि ये रामबाग परिसर पूरी तरह मंदिर है, यहाँ पर तालाब है, क्या स्थिति है यहाँ? मंदिर सब कुछ गंदा है, क्या है तो सब देख रहा है, क्या स्थिति है। मंदिर के सामने नाला बना हुआ है, जो फील्ड था उसमें गूंगूत बह रहा है, जिसमें पार्क रहना चाहिए, जिसमें फूल रहना चाहिए उसमें गूंगूत बह रहा है, इससे ज़्यादा क्या होगा। रामबाग में जो सड़क वहाँ पर सब VIP लोग रहता है, कौन सा क्या वहाँ पे कौन सा नाला का, उसमें आने से उधर से आने से लगता है जो नट से गुजर रहे हैं, कोई छू ले तो बीमार हो जाए, उस पानी से सब गुजरना पड़ता है सबको दिन रात। तब क्या ये नगर निगम का क्षेत्र है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ क्या स्थिति है, सड़क की, नाले की क्या स्थिति? ये रामबाग आखिर नगर निगम में आता है क्या? ये रामबाग ऐसे वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आता है, नगर निगम के क्षेत्र में ही आता है, और नाले की स्थिति बहुत दयनीय है। जहाँ तक कि बगल में एक फील्ड है सिनेमा हॉल गंगा क्लब्स के बगल में, जिसको कि पोखरा बना दिया गया, जिसमें हम लोग फुटबॉल खेलते थे, बच्चे लोग फुटबॉल खेलते थे, उसमें पोखरा ही नजर आएगा, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। बगल में एक पुल था जिसमें पास हम लोग गाड़ी घोड़ा चार चक्का आराम से करता था, वो धस गया, टूट गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, पुनः उसको बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ हम आंकड़ा लगाया कि सुधीर पांडे बिना कुछ मैंने सशक्तिकरण ग्रहण किए हुए 2 साल से वो दौड़ धूप कर करके रोड बनवाए, कुछ सैंक्शन भी करवाए, नाला के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आयुक्त महोदय से 50 बार हमको लेकर के गए हैं, कुछ मोहल्ले के हम लोग हैं कमिटी के मेंबर, जिसमें हम लोग सक्रिय मेंबर हैं और हम लोग जाते रहे हैं, और इनका म्यूटेशन के लिए भी फाइट कर रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री हो गया फिर भी म्यूटेशन नहीं हो रहा है, ये कहाँ कतुक है। जमीन हमने रजिस्ट्री करवा लिया, सरकार ही ने रजिस्ट्री कराया है, जब सरकार रजिस्ट्री कर दिया तो CEO बहानाबाजी कर रहा है, जबकि हम लोग हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया था, DM कमिश्नर सब ऑर्डर कर दिया था, CEO को कह दिया था कि आप म्यूटेशन कीजिए, लेकिन म्यूटेशन वो बहानाबाजी कर रहा है, कुछ पैसा कौड़ी के लेन देन था वो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप एकजुट हो आप लोग पूरा? हम लोग एकजुट होकर करके कई बार हम आयुक्त महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिए, विधायक जी से मैंने फॉरवर्ड करवा करके दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन सुधीर पांडे को हमने ये देखा है, बेचारे बिना खाए पिए भूखे प्यासे एकदम लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहाँ तहाँ आयुक्त महोदय से लेकर के DM कमिश्नर तक। ऐसे ही जुझारू चाहिए या फिर फोन नहीं उठाने वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? हमको तो भाई जुझारू कार्यकर्ता चाहिए जो समाज को देखे, हमारे रामबाग को जिला में, हम लोग समझिए कि हम लोग मुर्दा है, और मुर्दा इंसान को जिलाना सुधीर पांडे ही जिला सकते हैं, हम तो यही समझते हैं। तो चलिए, पीड़ित जनता है, क्या लगता है आप लोग 5 साल किस तरह गुजारे हैं और आगे 5 साल का क्या विचार करें? एक्चुअली पीछे को देखना नहीं है, आज आदमी प्रगतिशील होता है, अग्रगामी होता है। अग्रगामी में हमारी अपेक्षा जो पांडे संगीता पांडे हैं उसके कैंडिडेट से यही है कि मेन चीज़ हम लोग समर्पण भाव से, आप रामबाग किला के बारे में पूछ रहे थे, रामबाग किला वो ऐसी जगह है जहाँ पर कि खजन चिड़ैया एक गहुवन के सांप पर नृत्य कर रहा था, और वैसी स्थिति में राज दरभंगा यहाँ से जाते थे गंगा स्नान के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत पौराणिक भूमि है, और जहाँ पर उन्होंने गोसौनी घर बनाया उसके सामने में देखिए पानी का जमावड़ा क्या है, जबकि वहाँ पर यदि वो स्वच्छ हो जाएगा, अभी मान लीजिए जो जितना बीमारी का है वायरस होता है जितना भी है सब उसका स्रोत है, कहेगा कि घर का किचन से लेकर के टॉयलेट का भी पानी वहाँ जाता है। तो मैं सुधीर पांडे या जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनसे मैं अपेक्षा यही रखूँगा कि उसको वो साफ़ करवाएं, और यहाँ पर ड्रेनेज जो है इसको मेन ड्रेनेज से ये करवाएं, और हमारा अभी तक कोई भी आदमी इस पॉइंट को नहीं लेके चला है। राज दरभंगा का भी ये पॉइंट कमज़ोर है कि आज जो भी ड्रेनेज का है वह ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगी तो उन्होंने जो ज़मीन बेचा उसकी सौरभता आ जाएगी। जब पार्षद कैसा होना चाहिए, एक्टिव हो या फिर कभी फोन? देखिए जो हमारा फीडबैक्स है उस हिसाब से हमारा पार्षद जो अभी संगीता पांडे हैं उन्होंने 2-3 रोड इस कैंपस में बनवाया है, जो मुझे फीडबैक। अच्छा, मैंने बनने से पहले अपना चुनने से पहले बनाया मुन्नी देवी जो यहाँ की मेयर थी उनके सहयोग से इन लोगों ने उस रोड को बनवाया है, और जिस यूनिटी में वो कौन बाग चाहिए दिलखुश बाग का जो सिस्टम्स है उसको इन लोगों ने एक बहुत अच्छे मॉडल से संगीता पांडे के हस्बैंड और उनके जो नियर डियर्स हैं उन्होंने अच्छे प्रारूप में दिया है, और उसकी आपकी सौरभता यदि आज से 1 साल पहले आप देखने को आते
तब की स्वरूपता में अभी की स्वरूपता में स्वतः आपको अंतर आ जाएगी। तो हम बता दें ये स्थिति है और खासकर आप लोग को पूरे एक से लेकर 48 वार्ड के हम जनता को कहना चाहते हैं, आप ऐसा कर्मठ प्रत्याशी चुनिए अपने वार्ड के लिए, सिर्फ मेयर पर निगाह मत डालिए। अगर कर्मठ नहीं होगा आपका 12 बजे रात को फोन नहीं उठाएगा, आपके नल जल योजना आपका काम नहीं करेगा। आप कह नहीं सकते उनको, कहेंगे बहाना बनाएंगे कि निगम नहीं सुनता। अरे अगर निगम नहीं सुनता तो पार्षद किस बात के हैं? ऐसे कई पार्षद हैं दरभंगा नगर निगम में जिन्होंने 5 साल बर्बाद किया और 5 साल अपने वार्ड की जनता को रुलाया है। और इस परिस्थिति में मैं जो प्रत्याशी हैं वो सुदीप पांडे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है। हालांकि इनसे हम वादा दिलवाएंगे कि आखिर आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों वादा करें, विश्वास करें आप पर, क्या करेंगे आप? सबसे मैं इस मीडिया चैनल को दिल से धन्यवाद देता हूं जो जनता की आवाज़ को उठा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मैं दिलखुश बाग रामबाग कमेटी का अध्यक्ष भी हूं। मैं बिना पद पर रहते हुए विगत 4-5 सालों में नगर निगम इतना दौड़ धूप किया कि कम से कम 3-4 रोड हम लोग अथक प्रयास से लेके आए, जो खादी भंडार से होते हुए गंगा नाका नंबर 3 दाल मिल के पास गई है, उसका डॉक्टर रश्मि झा के बीच का रोड हम लोग दौड़ धूप करके वो लेके आए। और कमेटी का अथक प्रयास है कि हम लोग जितना अधिक से अधिक हो सके वार्ड के लिए काम किया जाए। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ फील्ड में जो एक ऐतिहासिक फुटबॉल का मैदान हुआ था जो डबरा बन के रह गया, वहाँ से जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है। और ये वर्तमान स्थिति जो आप देख रहे हैं, यहाँ जल निकासी का यहाँ कोई जल निकासी नहीं है। बारिश के दिनों में यहाँ की महिलाएं साड़ी उठा के एक हाथ से चप्पल लेके इस रोड को पार करके जाती है। आज तक इधर किसी को ध्यान नहीं रहा। रामबाग से वोट सभी लोगों को चाहिए लेकिन सुविधा देने के नाम से कोई नहीं है रामबाग। हमारी कोशिश ये है कि पूरे वार्ड 11 को एक VIP और यूनिक वार्ड बनाया जाए, यही मेरी प्राथमिकता। तो हम बता दें वार्ड 1 की तमाम जनता इस बात पर ध्यान अवश्य दे, सुनिए सबकी। कई प्रत्याशी हैं यहाँ पर, 4 प्रत्याशी हैं, 6100 वोटर हैं। आपको 5 साल रोना है या फिर आपको 5 साल अपने बच्चे या परिवार के लिए खुशहाल में रहना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है दरभंगा के तमाम वार्ड के लिए। दिल पर हाथ रखिए और पैसे के लेन देन में आप मत पड़िए। अगर पैसे के लेन देन में पड़ेंगे तो आपका वार्ड पिछड़ता चला जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको कहेंगे कि हम पैसा दिए हैं जीते हैं तो फिर हम क्यों काम करें। इसीलिए अगर आपको अपने वार्ड का सुसज्जित सौंदर्यीकरण और सुविधायुक्त बनाना है तो आप ऐसे कर्मठ जुझारू नेता को चुनिए जो आपके लिए 12 बजे रात में भी खड़ा है। धन्यवाद।